टोटल सेवन ओके हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट गांधर साउथ जोन में आज कई कई प्लेसेस में ट्रैवल एजेंट्स को और ब्रोकर्स को चेक करके 9 आदमी को पकड़े गए। इसमें 2 आदमी महाराष्ट्र का रहने वाले जगदीश्वर और इनका बेटा नागराज राव, वो जानबूझकर कुछ पैसा कमाने के लिए फॉल्स एम्प्लॉयमेंट वीसा एक ही तरफ और विजिट वीसा दूसरा तरफ। एक्चुअली इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट परमिशन से एम्प्लॉयमेंट वीसा से भेजना है, लेकिन ये लोग 2 वीसा बनाकर, एक विजिट वीसा टूरिस्ट वीसा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीसा छुपा के डैमेज करके बाद में एम्प्लॉयमेंट वीसा से कोई विदाउट एनी ऑथराइजेशन वो लोग भेज रहे हैं। लास्ट 2 मंथ्स का पहले ये शमशाबाद में 8 लोग पकड़े गए, 2 वीसा है उन लोगों के पास, 2 वीसा थे, एक एम्प्लॉयमेंट और एक टूरिस्ट वीसा विजिट वीसा। वो लोग को ये जग्गू जगदीश्वर ये नागराजु इसके इसका गैंग आंध्र प्रदेश में गुंटूर वेस्ट गोदावरी कणुकु और श्रीकाकुलम और तेलंगाना में कई प्लेसेस से ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को चीट कर रहा है। ये जाने के बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को बहुत बहुत तकलीफ हो रहा है, वो जेल पे जा रहा है, उनका पासपोर्ट सीज हो रहा है। ऐसा ये पूरा धोखा देकर ऐसा कर दे, इसके रिलेटेड ट्रैवल एजेंट्स को भी हम लोग हमारा टीम्स 10 टीम्स वो रेड करके उनको थोड़ा मटेरियल फीस कर दिया। इसमें अलमोची इलाही और अकबर ट्रैवल जुबी मिलियनियर और ये सोनिक ट्रैवल्स, तो उन लोगों को थोड़ा पासपोर्ट अनऑथराइज्ड पासपोर्ट थे, उनका इंक्वायरी कर रहा हूँ। और दूसरा मामला ये हज उमरा ये होली पिलग्रिमेज टूर है, सभी लोग का मन में होता है जिंदगी भर एक ही बार हज को उम्र को जाना है। ये फायदा उठाकर ये ट्रेडिशन को ये बिलीफ को ये विश्वास को फायदा उठाकर कुछ लोग ब्रोकर्स कम से कम 300 से ज़्यादा लोग को चीटिंग करके उन लोगों से 30,000-50,000 पैसा लेके उनका पासपोर्ट्स छुपा के उनको धोखा दे दिया। मादनापेट संतोष नगर मोगलपुरा मीर चौक एरिया में केसेस रजिस्टर हुआ था, इसका रिलेटेड में सैयद सुल्तान मोहम्मद खलील और मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है। और तीसरा मामला वेरी डेंजरस है, वुमेन ट्रैफिकिंग है, पूरा हैदराबाद शहर का पुराना, लेकिन हो रहा है दूसरा। वंस ये जाने के बाद वो घर को भेज रहे हैं, 30 से 40 लोगों को ये पूरा सेवा करना है। ये औरत सुबह से मिडनाइट तक ये 40 लोगों का खाना पकाना है, ये क्लोथ्स वॉश करना है,
इस्त्री करना है, प्रेसिंग करना है, उनका बच्चों को संभालना है, खाना पकाना है, नहाना है, वो घर का क्लीन करना है। सो इसीलिए एक औरत 30-40 लोग को करने में कितना तकलीफ होता है हम बिलीव नहीं कर सकते। इतना एट्रासिटीज जा रहा है और रात में थोड़ा सेक्सुअल असल्ट भी जा रहा है औरत के ऊपर। अभी तक साउथ जोन पुलिस 15 लोग को रेस्क्यू कर दिया। ये ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, 3 से 4 लाख 5 लाख ये कफी बोलते हैं, कफिल, ये कफिल लोगों से एडवांस ले रहे हैं। ये गल्फ में कुछ ब्रोकर्स थे, गल्फ में ब्रोकर्स, मुंबई का ब्रोकर्स, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद से ब्रोकर्स मिलकर ये 3-4 लाख लेकर ये औरत को भेज रहे हैं। वो कपिल लोग क्या बोल रहे हैं ये औरत को, आपको आपके लिए मैं 4 लाख कच्चा कर दिया, खरीद लिया, तो 4 लाख का पूरा काम करने के बाद हम सैलरी देना शुरू करता। ये काम कैसे है, ये औरत का कुछ सूदखोरी में बहुत लेकर ये ब्रोकर्स को 1 लाख 2 लाख देकर वो जा रहा है। एक बार विजिट वीसा में भेज रहे, अगर एम्प्लॉयमेंट वीसा में भेजेगा तो उनका सऊदी का गवर्नमेंट का भी थोड़ा चेक होता है, कुछ औरत को कोई तकलीफ हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहा है। ये लोग अनऑथराइज भेज रहे हैं टूरिस्ट वीसा में। ये कपिल लोग से कुछ 4 लाख 5 लाख ले रहा है, कितना ले रहा है किसी को मालूम नहीं। औरत को बोल रहे तुमको खरीद लिया मैं, तुम यहाँ काम करना है, बाहर नहीं जाना। अरे किसको दे दिया तो वो नहीं बताएगा। सो इसीलिए ये ब्रोकर नेटवर्क्स गरीब इनोसेंट मासूम औरत को बहुत बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो हेल को क्या बोलते हैं, सहेद तरफ वो घुस जाके वो बाहर नहीं आने के लिए रो रहा है। फोन नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा सोना नहीं मिलता। सोना मतलब गोल्ड नहीं है, नींद, आराम। सेक्सुअल असल्ट भी ज़्यादा है, ब्यूटिशियन रूप से चल रहा है, वो प्रोस्टिट्यूशन में कर रहा है। सभी लोग का नहीं मान रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे लोग भी थे जो एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाकर रूल्स का जानिब से रूल्स के अंदर जाएगा तो वो अच्छे कर रहे हैं। जो ब्रोकर्स जान पूछ कर चीटिंग करके वो भेज रहे हैं उनका हालत बहुत बहुत खराब ही हो रहा है। इससे ज़्यादा मानने के मैं सोचता हूँ ऐसा कौन डायरेक्ट का हम पुलिस को कर रहे हैं। इसी मामला में हम लोग बहुत सीरियस ले लिया, जो ब्रोकर्स इसी तरफ काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, सर्वे करेंगे। ये हमारा गवर्नमेंट तरफ से, सरकार तरफ से एक रिपोर्ट गवर्नमेंट उन लोगों को गल्फ का गवर्नमेंट को भेज देंगे। इसी तरफ फंसा हुआ कौन कितने लोग थे, बहुत औरत को सता रहा है। उनका अरबिक नहीं आता है, उर्दू आता है, वो उर्दू उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो अरब इन लोगों को समझ में आ रहा। ये ब्रोकर्स इतना धोखा दे रहे हैं, ये ब्रोकर सिस्टम को ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए ये हैदराबाद सिटी पुलिस ये पूरा तैयारी हो गया। इसी ये शुरुआत है आज, कल से जो आदमी है रेस्पॉन्सिबल उन लोगों के पूरा तरफ उन लोगों को सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अकबर ट्रैवल्स है मीर चौक में, कितना लोग वो पासपोर्ट के समय बहुत धोखा दे दिया। अभी तक 4 से 5 केस तक रजिस्टर हो गया, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये सोनिक और जुबे मिलेनियम चंद्रायनकुट्टा में बहुत पासपोर्ट्स उनको पास रख दिया, और ये सुल्तान और मोहम्मद खलील संतोष नगर में 300 से ज़्यादा उमरा हज जाने वाले इनका पासपोर्ट अपने पास रख के उन लोगों का पैसा लेकर उनको उमरा ने भेजा नहीं, वो मक्का को भेजा नहीं। ये वेरी
सैयद इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल है, आप उसका नहीं है। इसी तरफ गरीब लोगों का, मासूम लोगों का चीट करना वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पुलिस उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इसी तरफ रोकना है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट दे रहा है आउटसोर्सिंग को 15,000 और 18,000। ये सऊदी जाके गल्फ में जाके कुछ पैसा कमा के उनका फैमिली को अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये और उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। 15,000 दे रहे हैं, वहाँ 18,000 दे रहे हैं हमारा इंडियन करेंसी में। ये सैलरी यही भी मिलता है, वहाँ 40 लोगों को 30 लोगों को सुबह से मिडनाइट तक करने के लिए क्या ज़रूरत है, कैसे ताकत आता है, एनर्जी आता है। इसी तरह ये औरत को बचाने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए हम बहुत हेविली ये ब्रोकर सिस्टम के ऊपर जा रहा है।